प्रभु हम आए तेरे द्वार करने तेरी पूजा, भू अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर शांति का है द्वार, सन्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति। हम आए तेरे द्वार करने तेरी पूजा, तू अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। इतना सुंदर तेरा मंदिर शांति का है द्वार, सम्मुख तेरे जो आता पाता शांति। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ समारोह हमारे सामने मनचिंतन करने के लिए तीन बातों को रखते हैं। पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं परिश्रम का महत्व क्या है, और वह अपने परिश्रम के बारे में लोगों को समझाते हैं और कहते हैं जो काम नहीं चाहता है उसे भोजन का अधिकार नहीं है। और हमें संत पौलुस सिखाते हैं हर पल हर वक्त परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सुसमाचार में पढ़ते हैं मेरे पिता कार्य करते हैं या परिश्रम करते हैं और इसलिए मैं भी काम करता हूं। यही बात प्रभु यीशु लोगों को समझाया, शिष्यों को समझाते हैं, और इसलिए संत पौलुस लोगों को समझाते हैं आलस्य का जीवन ना बिताने के लिए, क्योंकि लोग समझ रहे थे ईश्वर का जो आगमन है, दूसरा आगमन है, तुरंत होगा और इसलिए वे काम नहीं करना चाहते थे। और पौलुस उन्हें समझाते हैं ऐसा नहीं, हर दिन हर पल हमें कार्य करने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा को बचाने के लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है सुसमाचार में प्रभु यीशु पाखंड का खंडन करते हैं और प्रभु फरीसी और उनके जीवन को देखकर कहते हैं तुम लोग स्वर्गराज के लायक नहीं है और तुम लोग पुती हुई कब्र के समान हैं, बाहर से सुंदर दिखते हैं लेकिन अंदर और अंदर तो सड़ा हुआ है। प्रभु हमारे अंतरतम को देखते हैं और आज प्रभु यीशु हमें समझाते हैं हमें बाहर और सुंदर और अंदर को भी सुंदरता से भरने की आवश्यकता है। और प्रभु आज शिष्यों को समझाते हैं वह है शुद्धता के बारे में। कहते हैं हम बाहरी रूप से तो सुंदर है और अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम समय बिताते हैं, अपने धन संपत्ति का खर्च करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करते हैं? और जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए ही जीते हैं, आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं, वही पाखंड के जीवन बिताते हैं। और प्रभु यीशु लोगों को समझाते हैं पाखंडी कौन है। पाखंडी वह व्यक्ति है जो धर्म और धर्म के सभी नियमों का इस्तेमाल उनके जीवन के लिए और ये बाहरी जीवन को सुंदर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रभु लोगों को समझाते हैं पाखंड के जीवन से दूर रहो, क्योंकि प्रभु सच्चा है और प्रभु सच्चाई है, और इसलिए प्रभु कहते हैं सच्चाई तुम्हें सुंदर बनाएगा। जो सच्चाई को नहीं जानते हैं वे पाखंड भरा जीवन बिताते हैं, और आज प्रभु हमें समझाते हैं परिश्रम करना है पाखंड भरे जीवन से दूर रहने के लिए, शुद्ध
जीवन बिताने के लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो आइए हम इसमें संविधान में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जो हमारे अंतरतम को देखते हैं, उस प्रभु से आग्रह करें कि वह हमारे हृदय को, हमारे शरीर को शुद्ध करे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुआरी मरियम से, सब सद्गुरुओं, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर और हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करे, हे प्रभु ईश्वर, तू सारी सच्चाई का स्रोत है। केवल तू ही हृदय की एकता स्थापित कर सकता है। ऐसा वर दे कि हम प्रत्येक ध्वनि में तेरी वाणी सुने और जीवन से बढ़कर भी तेरी उपस्थिति के लिए लालायित रहे। इस परिवर्तनशील संसार की मोहमाया के बीच भी हम तेरे राज्य की वह शांति प्राप्त करें जिससे संसार नहीं दे सकता है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। थेसलिनिकियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से आज का पाठ। भाइयों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहें जो काम नहीं करते और उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई है। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप ये स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम आकर्मणीय नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार ना बन जाएं। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुसरण कर सके। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। शांति का प्रभु स्वयं आप लोगों को हर समय और हर प्रकार शांति प्रदान करता रहे। प्रभु आप सबके साथ हो। मैं पौलुस अपने हाथ से यह नमस्कार लिख देता हूँ। यह मेरे सब पत्रों की पहचान है, यह मेरी लिखावट है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबके साथ हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के, धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाद के, धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाद के, धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। जय घोष, अल्लेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यह कहा, ए डोंकी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्र के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इसी तरह तुम भी बाहर से
लोगों को धार्मिक अधिक पढ़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ये डोंकी शास्त्री और फरीसियों, धिकार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पूर्वों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या नहीं करने देते और उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हथियारों के संतान हो, तो अपने पुरखों के कसर पूरी कर लो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। समाचार के शब्द हमारे पापों को मिटाओ। रस लाए हैं तेरे चरणों में, रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में, भर दे प्रभु इनमें जीवन रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रचार एकत्र किए हैं, अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ ही। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूधगण तेरे आंतपति की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगान युग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली,
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिश और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुदीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्षंत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवा सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी गली से आके विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानी जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। किसकी शांति, किसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं, जो कि इस समय में सांस्कारिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकता हूं। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ है, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हे प्रभु, तेरे कार्य के फल से पृथ्वी तृप्त हो जाएगी, तो धरती से रोटी उत्पन्न करता और अंगूरी से मनुष्य का दिल प्रसन्न करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। ये वरदे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्रात्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।